जयपुर में अधिकारियों, पार्षदों और सरकारी कर्मचारियों की मोहर लगाकर हस्ताक्षर कर फर्जीवाड़े करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके रामगंज थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक वार्ड 65 के पार्षद जकरिया को सूचना मिली थी कि कोई इमित्र संचालक उनके फर्जी सिग्नेचर कर रहा है और फर्जी मोहर लगा रहा है। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्यवाही जारी है। अमित अग्रवाल करके जो इमित्र संचालक है उससे मैंने बात की। मैंने कहा आप ऐसे इस तरीके कर रहे हो, तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की। तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे फार्म रखे हुए थे, उन फार्म को उठा के जब देखा तो उसमें मेरी साइन के अलावा भी और कई अधिकारियों की साइन मोहरें लगी हुई थी और मैंने वहाँ पर मोहरें रखी हुई थी। उन मोहरों में से एक मोहर को लगा के देखा तो वो कुछ हॉस्पिटल्स की, कुछ बैंक की मोहरें थी। तो मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहाँ पर आई, पुलिस ने मौके पे बहुत सारी मोहरें जब्त की हैं, पुलिस ने बहुत सारे दस्तावेज जब्त किए हैं जो कि नकली साइन और नकली मोहरों से बनाए गए थे। आगे की जाँच पुलिस थाना रामगंज कर रहा है। आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी वो पुलिस थाना रामगंज बता पाएगा।